वहां पे इंडिया के फॉरन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है वेस्ट को ओपनली वार्न किया है और ये कहा है कि रशिया के साथ जो हमारे रिलेशन हैं वो हम अपनी मर्जी से रखेंगे पाकिस्तान की तारीख 100 फीसद छूटी है फेक तारीख है हिंदू है। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के नौजवानों को पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के उनको इंडिया भेजा जाए हम मुल्क भेजा जाए बांग्लादेश भेजा जाए अमेरिका के न चाहने पर हमने तेल खरीदा अमेरिका के न चाहते हुए भी हम छह दिन के हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर न सिर्फ हैं बल्कि इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं चार जंगे हार चुके हैं ईस्ट पाकिस्तान गवा चुके हैं कश्मीर का आप एक इंच नहीं ले पाए आपको लगता है कि आपके और आपकी जैसी क्वालिटी के लोग हिंदुस्तानियों को हरा सकते थे और वो किससे तीन सौ जंगे करने को कह रहे हैं किसको कहा था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मीन दिंग दैट वरी इज द वेस्ट मोर स्पेशली दू एस इज इंडिया Heavy dependence on Russia for supply of weapons। तो ये एक नया है आप उनको देख लें उनके साथ दुबई सऊदीया, रशिया अमेरिका हर चीज हर एक, एक कंट्री उसके ट्रेड उस तो तो कर है। पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया है इंडिया को अब जी चीन अटैक कर देगा अब जी कारगिल काट देंगे अब जी कश्मीरी अवाम बहुत वो है जुल्म हो रहा है ओपन जेल है ऐसी बातें करके आप सिर्फ अपने दिल को तसली दे रहे में आपका स्वागत है दोस्तों दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी आपको पता ही है हाल फिलहाल में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब जो कि रसिया के दौरे पर गए थे वहाँ पर बहुत सारे मीटिंग हुई बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी डील हुई न्यूक्लियर न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर भी डील हुई जिसमें कि दो प्लांट ऑलरेडी भारत में रशिया के चले हुए हैं लेकिन चार प्लांट अब और भी रशिया के वहाँ यहाँ पर चलने वाले हैं इसी को लेकर के यहाँ पर डील हुई और जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने सीधे तौर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको सीधे तौर पर वांड किया है वार्निंग दी है उन्हें चेतावनी दी है कि भारत और रसिया के जो बीच मामले हैं उन मामलों में कोई भी टांग न अड़ाए आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों में जब रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तब अमेरिका ने भारत से कहा था कि रसिया से तेल ना ख़रीदे लेकिन भारत ने मोदी जी ने भारत ने आ, उसको जो उसने कहा था उसको दरकिनार करते हुए उसे अनसुना करते हुए रसिया के साथ और भी तेल से अलग और भी कई सारे मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुए और उसका तेल भी प्रॉपर्ली ख़रीदा गया यानी कि जो अमेरिका ने कहा था उसको बिल्कुल दरकिनार करते हुए उसने अपना व्यापार चालू रखा अब ये ये जो लोग हैं ये सिर्फ चाहते हैं कि किसी भी तरीके से भारत और रूस के रिश्ते खराब हों और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है इसलिए वीडियो को उन तक जरूर देखेगा तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखें आदमी की अगर शक्ल एक जैसी है जैसे मैं बहुत से हिंदुस्तान पाकिस्तान के चैनल देखता हूँ तो कहते हैं साहब एक जैसी शक्ल है एक ही डी है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन बात है तो इतना फर्क कैसे आ गया लेकिन देखें बात जेहन साजी की होती है जो आपकी जेहन साजी है जो आपकी तरबियत है जो क्रिटिकल थिंकिंग है बच्चे अगर आप ट्विंस को भी रख दें एक को आप दहशत गर्दों के बीच में रखें और एक को साउंड हार्वर्ड एम आई टी में पढ़ाएं तो दोनों एक डिफरेंट प्रोडक्ट निकल के आएंगे और पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम यही है यह कि एक कलेक्टिव पेरानाया एक कलेक्टिव फंडामेंटलिस्ट थिंकिंग का शिकार है राइट इंडिया में आई आई टीज और एन आई टीज जैसे इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया की सिविल सर्विसेज का एग्जाम लोग कहते हैं पाकिस्तान में भी सिविल सर्विसेज हैं लेकिन हकीकतन जो पाकिस्तान का टॉप का ब्यूरोक्रेट है वो शायद इंडिया में क्लैरिकल एग्जाम भी क्लियर ना कर पाए एक तरफ आप बात करें आई की और पाकिस्तान में सिर्फ टेरर की आई हैं टीज है पेशावर की जिहाद फैक्ट्रीज हैं जहां पर जिहादी उन्नीस की दहाई से लगातार साल दर साल बनते जा रहे हैं और पाकिस्तानी फौज और हिंदुस्तानी फौज में यही फर्क है स्ट्रेन लेने की कैपेसिटी पाकिस्तानी फौज में नहीं है क्योंकि जो जेन है जो दिमाग है दे आर नॉट बिल्ट फॉर इट जबकि इंडियंस ने जो है स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन्स में दे हैव शोड एन एक्सेप्शनल एटीट्यूड एग्जाम्पल्स आपके सामने कारगिल की जंग देख लें कारगिल की जंग में आप रिवर्स कर दें अगर पाकिस्तानी फोर्सेस होती नीचे तो आपको लगता है वो ले पाती उन पहाड़ों को अगर आप किसी भी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट वाज नेक्स्ट टू इंपॉसिबल थिंग राइट क्यों खड़े हुए पहाड़ों से नीचे से आप फायर कर रहे थे बोफोर्स गन थी कोर्स, विच यू वेरी केपेबल गन लेकिन वो इम्पॉसिबल था लेकिन इंडियंस ने प्लानिंग की स्ट्रेटेजाइज किया टाइगर हिल जैसे कैप्चर किया गया राइट right? खड़ी पहाड़ी पे चढ़ गए गोरखा किसी ने इस चीज का तस्वर भी नहीं किया था और स्ट्रेस और स्ट्रेन था उस बावजूद उसके इंडियन आर्मी परफॉर्म वेल पाकिस्तान ने स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट किया आप सब जानते हैं इकहत्तर में पाकिस्तान क्या कर रहा था इकहत्तर की छोड़ दें कारगिल के का ऑपरेशन की बात कर लेते हैं पहले तो कारगिल में भाई आपके वॉर ऑब्जेक्टिव क्या थे वॉर ऑब्जेक्टिव यही थे ना आपने नवाज शरीफ को धोखा दिया आप कह रहे थे साहब कश्मीर जाने का रास्ता हम काट देंगे जबकि आज की डेट में अंधा भी जाए अगर आप कारगिल एक्विपाई कर भी लेते वो रास्ता तब भी नहीं कटने वाला था तो इट वॉज अ प्रोजेक्ट डूम्ड फॉर फेलियर राइट स्टार्टिंग डे वन से वो प्रोजेक्ट फेलियर के लिए बना था कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कोई आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं थी ना आपने सप्लाई लाइंस देखी आपने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया नवाज शरीफ को भिजवा दिया क्लिंटन के पास बेइज्जत होकर वापस आ गए आपका कु हो गया और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया तो कोई इस चीज को सोच सकता है जो जो फर्स्ट ईयर में कैडेट्स को पढ़ाते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग को वो चीज पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के लोग नहीं कर पाए तो आप कहेंगे सिंपल मिस्टेक थी इट वाज नॉट अ सिंपल मिस्टेक ये ये शो करता है कि जो टॉप के लेवल का भी क्या माइंडसेट है आज मैं इसी माइंडसेट की बात करने वाला हूं पैंसठ की जंग में आपने क्या किया आपने कश्मीरी भेज दिए जो पंजाबी बोल रहे थे कश्मीरी लोगों को अराउस कर रहे थे आप इडियट थे आपको इतनी अकल नहीं थी कि कश्मीर में जाके पंजाबी बोलनी है कि कश्मीरी डोगरी बोलनी है दो घंटे में पूरे कश्मीर को पता चल गया बाहर से लोग आए और जो आपने ऑपरेशन किया था वो फेल हो गया और पैंसठ की जंग में इंडिया ने ईस्टर्न सेक्टर पर अटैक नहीं किया बांग्लादेश पे इट वाज ऑल अनडिफेंडेड तो ये क्या प्लानिंग थी आपकी इकहत्तर जो होना था वो पैंसठ में ही हो जाता ईस्टर्न पाकिस्तान ढाका लेफ्ट अनअटेंडेड। में क्या हुआ आप कह रहे थे साहब आपने हिंदुस्तान की बताया कि साहब उन्नीस में शेख मुजीबुर रहमान इंडियन एजेंसी से मिले अगरतला त्रिपुरा में आवाज़ साजिश की और जी अरेस्ट हो गए फिर पाकिस्तान ने छोड़ दिया जो फौज जिस तरीके से बहानेबाजी करती है तो आपके अंदर इतनी अकल नहीं थी 1970 के बाद ही आपको नहीं दिख गया था क्या होने वाला है आपने री भेजनी थी तो देखिए ये सारी चीजें जो भी पाकिस्तान के फेलियर्स हैं वो टेक्टिकल लेवल पर रहे हैं और ये सब दिखाते हैं कि फौज में एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं ना एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की कमी है दे कैन नॉट रियली थिंक मिलीटैरली तो जिसे कहते हैं ना सिर्फ नाम के जनरल्स हैं सितारे पता नहीं क्यों लगाए हुए हैं प्लानिंग मेरे ख्याल से जो एक एनसीसी का कैडिट होता है वो इनसे ज्यादा बेटर कर लेगा लेकिन चलें इन सब की वजह मैं मानता हूं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म शायद जो दिमाग उतना ग्रो ही नहीं हो पाया जो होना चाहिए था ठीक है अब ऐसा क्यों है तो ये तारीख पर जाते हैं इमीजिएट तारीख पे चलते हैं मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि कायदे आजम साहब जब उन्होंने पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान बनना ऐसे ही था जैसे दूध में आप मथनी मथ देते हैं तो बटर अलग हो जाता है सपरेटा अलग हो जाता है हुआ ये कि सारे के सारे चोर गुंडा एलिमेंट और मैन ऑफ इनफीरियर क्वालिटी सारे के सारे असेंबल हो गए थे पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान में ये लोग कौन थे ये गुंडे थे ये लोग मौलाना मदरसे के अफ़राद इस किस्म के लोग थे ये लोग वो थे जो कि लोअर मीनियल जॉब कर रहे थे वडेरे थे लैंड थे और सारा का सारा पढ़ा लिखा एजुकेटेड तबका रह गया इंडिया में दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा साथ ही मैं आपको बता दूं यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद